मैडम, मैंने बैंक में बात की है, उनके पास बहुत सी चीजें हैं। वो हमें काउंटर स्लिप पे इब्राहिम साहब के सिग्नेचर्स भी दे रहे हैं, बल्कि उनके पास तो सीसीटीवी कैमरा वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसमें इब्राहिम साहब कैश वसूल कर रहे हैं। मुझे लगता है इतने सबूत काफी हो जाएंगे हमारे पास। जबरदस्त, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बुड्ढे को लग रहा था वो अपना जाल बिछाता रहेगा और कोई उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। मैडम, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी रकम का फ्रॉड किया है, वो भी इतनी बेएहतियाती और इतनी लापरवाही से। वाओ, कमाल है। बहुत ज्यादा समझ रहा था खुद को। बुड्ढे का वक्त आ गया, मजीद ढील दे नहीं सकते अब हम। आज ऑफिस आए मोहतरम? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं आए। ऐश कर रहा होगा, आगे के मंसूबे बना रहा होगा। अच्छा मैडम, मलिया मैडम कैसी हैं आप? ठीक है आप? रात थोड़ी तकलीफ में गुजारी, सो नहीं पाई थी, बट आई थिंक अब ठीक है। अच्छा, आप आएंगी ऑफिस? नहीं, आज मुश्किल है, आंटी से मिलने जाऊँ। आंटी को मेरा सलाम कहिएगा। दे दूँगी जरूर, तुम बस अपना काम करती रहो। मुझे इन सब के तमाम छुपे हुए राज हासिल करने। डोंट वरी मैडम, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँ। जानती हूँ, बस अपना काम करती रहो, मैं तुम्हारा मुआवजा मिलता रहे। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज़। बहुत सख्त वक्त गुजारा है हमने मलिहा, मुझ समेत घर का हर एक शख्स तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। क्या बाबा भी परेशान थे? क्या बात कर रही हो मलिहा, तुम इकलौती बेटी हो उनकी, तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? और जफर और शराज ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत परेशान थे। भाई का तो मुझे यकीन है कि वो परेशान होंगे, लेकिन शराज, उसको मेरी क्या फिक्र? इतना बुरा भी नहीं है वो। हाँ माना, उसने तुम्हें छोड़कर माहीन से शादी कर ली, पर ये सब माहीन का किया धरा है। उसने बहुत चलाकी से शराज को अपने जाल में फंसाया है। रहने दें भाभी, आप इतना भोला भी नहीं है शराज कि माहीन के जाल में इतनी आसानी से फंस जाता। माहीन की चलाकियां तो मम्मा और पापा भी नहीं समझ सके, तो शराज क्या है उनके आगे? शहरयार ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया, मैं उसका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, बहुत बड़ा एहसान किया है उसने हम पर। अच्छा सुनो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं भाभी, शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं किचन में देख के आऊँ काम कहाँ तक पहुँचा है। हेलो शेरी, कैसे हो तुम?
बिजी तो नहीं थे? अच्छा मैं पूछी थी कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो मेरी तरफ आ जाओ। आंटी परेशान होंगी ना। चलो फिर एक काम करती हूँ कि मैं वहां आ जाती हूँ। ओके ओके बाय। क्या ख्याल है शमा, इरफान को तड़पाया जाए, उसको खूबसूरत नजारा दिखाया जाए, बिजली तो गिरेगी, जलजला तो आएगा, जमीन तो पैरों तले निकलेगी, हैं? मजा आएगा ना, उसे भी पता चलना चाहिए ना, पुराने गुनाह और पुरानी शराब का नशा कितना ज्यादा होता है। नहीं मलिक साहब, इस तरह तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी बर्बादी की डोर के पीछे हमारा हाथ है। इस तरह वो ऊपर शिकायत भी कर सकता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, करने दो शिकायत। ये नाली का पानी है, नाली का, जो मेरे पांव नहीं उखाड़ सकता, मुझे तो समंदर नहीं हिला सका। ये इरफान मेरे सेक्रेटरी के एक फोन कॉल की मार है, एक। फिर भी हमें खतरा मोड़ लेने की क्या जरूरत है? छोड़ो इन बातों को, बहुत ठंड हो रही है, कुछ करने को नहीं है, बहुत बोरियत हो रही है, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते, कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं चक्कर लगाएं? शमा जान, मैं चक्कर सिर्फ अपनों को देता हूं, मेरे चक्कर में पराये नहीं आते। पराये लोग बड़े तेज हैं, हैं? वो हसन आया था, वो कहाँ है? कह रहा था अपने किसी दोस्त के यहाँ रुका हुआ है, आज बुलवाया मैंने रात में उसे। बड़ा चक्करबाज है वो, दिमाग बहुत तेज चलता है उसका, तुम देखना एक दिन बड़ी ऊंची जगह जाएगा वो, हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे शहरयार की किसी बात पर यकीन नहीं। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन ये बात मलिया को कौन समझाए? पता नहीं क्यों वो शहरी के इशारों पे चल गया। जो अफवाह का प्लान कर सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसकी जान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, तो उन्होंने उसे बेवकूफ बना के वैसे ही हथिया लिया, और क्या उसे नुकसान पहुंचाएंगे? उनकी हवस इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी जायदाद के वारिस मलिया ही नहीं बल्कि जफर साहब भी। इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी भूल है, जफर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जफर का बिजनेस, पैसा, उसकी जायदाद, उसका एक पार्टनर मैं भी हूं। मलिया का आ जाना मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ कासिम, मुझे नहीं लगता था वो उसे इतनी जल्दी छोड़ेंगे। अनाड़ी थे ना, गोली लगने से डर गए होंगे। और वो शहरयार, वो इतना बहादुर कैसे हो गया? पर मुझे ये बात चुभ रही है कि वो इतना वर्दी हो गया कि उसे किडनैप किया उन लोगों ने। जिसने भी ये सारा चक्कर चलाया है वो भी कोई बहुत ही बड़ा अनाड़ी था, जो समझ में आया कर दिया, बाद में हाथ पांव भूल गए होंगे। खैर वो खटान की क्या खबर है? जफर तुम थोड़ी बहुत रकम का बंदोबस्त कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यार बंदोबस्त तो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मलिया के पास इतनी रकम होगी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। कभी कभी जो चीज हमारे सामने होती है ना उस पर ध्यान नहीं जाता। खैर तुम छोड़ो इसको, तुम ये सोचो इरफान साहब को क्या करना है। अरे मेरी तरफ से मरे वो, अभी हमें उसकी जरूरत है यार। धोखाड़ी का बंदा हो गया वो इस वक्त, मेरा दिल करता है धक्के देकर उसे इस घर से बाहर निकाल दो। हाँ ये हो सकता था, लेकिन वो इतना भी गया गुजरा नहीं है कि इतनी आसानी से चला जाए। उसकी जो तीसरी बीवी है ना, मुझे उस पे शक है।
तुम्हारी शक करने की वजह तो माकूल है। इरफान ने उसी की वजह से मेरी माँ को मारा है, वरना मुझे यकीन है कि मेरी माँ को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। देखिए ना, अब इस बारे में पता चलाना नामुमकिन है। अगर हम उस इरफान को किडनैप कर लेना तो बहुत सारे सवालात के जवाब मिल सकते हैं। कासिम, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। तो समझो कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता, माहिन इतनी पुरसुकून क्यों है? उसकी ये खामोशी किसी तूफान का पेश हिम्मत है? ए बेटा, एक बात याद रखना, औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। हो सकता है वही मोहब्बत उसके दिल में फिर अंगड़ाई ले रही हो। ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह से उसने मुझे बर्बाद किया है, मेरा सब कुछ छीन लिया, ये उसकी मोहब्बत तो हरगिज नहीं हो सकती। वो मुझे सिर्फ बर्बाद करने आई है। तो फिर किसने रोका है उसे? ये खेल कुछ और है। वो तुम्हारे आसाब पर सवार है बस, और कुछ भी नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मुझे उसकी आंखों में सिवाय नफरत के और कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, तो फिर जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, तो फिर तुम क्या तवक्कु कर सकते हो? हाँ, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? उस पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिया के किडनैपिंग में उसका भी हाथ? अरे बेटा, वो एक बहादुर लड़की है, सामने आके खड़ी हो गई है। वो अगवा जैसे बुजदिला काम नहीं करवा सकती। एक बात याद आ रही मुझे, तुमने मुझे कहा था कि माहिन किसी बच्चे की बात कर रही थी। अरे भाई, जरा पता तो लगाओ वो किस बच्चे की बात कर रही थी, और वो बच्चा कहाँ है? ये बात मेरे जहन से पता नहीं क्यों निकल गई। मैं बता करता हूँ। एक मिनट बेटा, देखो कसम से जेब बिल्कुल खाली है, थोड़े से पैसे दे दो, 50,000 रुपए। फिलहाल यही है, इसमें गुजारा करें। वाओ वाओ वाओ, मजे आ गए भाई। थप्पड़ फाड़ के देते हैं वैसे तू। दो दिन से तुम यहां पर हो और अब आए हो मुझसे मिलने। कहां थे? बिजी था शमा जी। कहाँ बिजी थे? वैसे वाह, बड़े दिनों बाद आपके हाथ की बनी हुई चाय पी के मजा आ गया, बहुत मिस करता था ये। बस रहने दो, पता है मुझे तुम्हारे बाहर है। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई फेसबुक पे, अच्छी लगती है मुझे, बस उसी से मिलने आया था। कैसी है दिखने में? मुलाकात हुई है तुम्हारी उससे? कौन है? अरे सब बता दूंगा, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? पहले मैं तो तफसील से जान लूं उसे। चलो ये भी अच्छा है। अच्छा खैर, वो माही से जरूर मिल लेना, तुम्हें याद कर रही थी। पियो चाय, पियो। अरे सामान, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। कौन सी बात? आप तो डरी गई मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछिए। है तो थोड़ा पर्सनल सवाल, बट आई होप यू डोंट माइंड। सोची थी कि आपके और जफर के ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते मुझे। आपसे किसने कहा ऐसा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही पूछ रही थी, शिराज बता रहे थे। अरे नहीं माहिन, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दरअसल जफर जरा मूडी आदमी है, अक्सर उनका मूड खराब रहता है, तो वैसे ही आपको लगा होगा। शायद इसी वजह से फिर अब उसके अक्सर इरफान अंकल से भी इख्तलाफात रहते हैं ना। पर पता जो भी हो, यूं अपनी बीवी को इग्नोर कौन करता है? नहीं ठीक कह रही हूँ ना मैं? खामोश हो ना, तो खामोश ही रहना। जफर आज मैं अपनी तमाम गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, उन खताओं के लिए भी जो कि मैंने कभी किए नहीं। प्लीज आप मुझे माफ कर। बस खामोश हो जाओ। एक बात बताऊं, मर्द हर काम कर ले, लेकिन कभी पढ़ी लिखी औरत से शादी मत कर। तुम यहाँ पे किस मकसद से आई हो? घर है ये मेरा, बाइज्जत तरीके से निकाह करके आई हूँ यहाँ। मेरे शौहर बहुत मोहब्बत करते हैं। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो तुम। तुम यहाँ पे किसी और मकसद से आई हो और मैं पता चला कर रहूंगा। तो ठीक है, किसने रोका? जाओ लगाओ पता जाके। जानती हो तुम, तुम्हारे यहाँ आने से हमारे घर बर्बाद हो रहा है। तो जो बीज तुमने बोया था उसको काटने का वक्त तो आना ही था ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे पछतावा। कितने बेहिस आदमी हो तुम, की हुई गलतियां, दी हुई अजियतें कुछ याद नहीं है तुम्हें? देखो माई, हमारे दरमियान जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए। ये तुम कह सकते हो, मेरा इरादा कुछ और है। भूल गए तुम? तमाम तर शिद्दतों से चाहा था मैंने, टूट कर प्यार किया था मैंने तुमसे। आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं ला देती। आप यहाँ वैसे मुझे देने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? तुम पे अगर एतबार नहीं होता तो तुम आज मेरी बीवी होती, आज मेरे साथ इस घर में होती। क्या हो गया भाई? मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मुझे तुम पे एतबार है लेकिन दूसरों पे एतबार नहीं है। तुम जानती नहीं हो इस दुनिया को, लोग आपके सामने कैसे होते हैं और पीछे किस तरह होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई क्राइम ही हुआ होगा? आई मीन कुछ और भी तो बात हो सकती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ मगर तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी।